वेल दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 के आने वाले एपिसोड से जुड़ी बड़ी धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आने वाले शानदार एपिसोड में पवनदीप राजन अपने सुरों से एक ऐसी बारिश करने वाले हैं जिसमें पूरी तरह से भीग उठेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार रणधीर कपूर, क्योंकि रणधीर कपूर शनिवार के एपिसोड में गेस्ट के तौर पर नजर आने वाले हैं। रणधीर कपूर पवनदीप राजन के परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा खुश होंगे कि उन्हें तोहफा भी देने वाले हैं। इसके बारे में आप सभी दर्शकों को बता चुके हैं ऑलरेडी। और साथ ही साथ रणधीर कपूर जी जो हैं वो अपने दादा के बारे में जिक्र करेंगे पवनदीप राजन के सामने, और साथ ही साथ उनके सामने अपनी आखिरी इच्छा रखेंगे पवनदीप राजन के सामने, और पवनदीप राजन उस आखिरी इच्छा को पूरा भी करेंगे। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि रणधीर कपूर जी की क्या है आखिरी इच्छा और पवनदीप राजन ने किस तरह से उस आखिरी इच्छा को पूरा किया। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बीते कई सारे एपिसोड से पवनदीप राजन जो हैं कई तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए दिखाई दिए। कभी वो पियानो बजाते हैं, कभी वो तबला बजाते हैं, और तबला बजाते हुए वो गाना गाते हैं, जैसे कि बीते एपिसोड में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया था, एक नया इतिहास बना दिया था बप्पी लहरी जी के सामने। कभी वो मौत ऑर्गन बजाते हैं, और कभी तो कुछ। और साथ ही साथ आने वाले एपिसोड में इसी से जुड़ी हुई होगी रणधीर कपूर जी की आखिरी इच्छा। रणधीर कपूर जी जो हैं वो पवनदीप राजन के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश होंगे, और साथ ही साथ पवनदीप राजन से कहेंगे कि आप जो है वो, मुझे पता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हो, और साथ ही साथ मेरे पापा जी भी और मेरे दादा जी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना काफ़ी अच्छी तरह से बजा लिया करते थे, और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको एक तरीके की, मेरी ये आखिरी इच्छा है उसे आप पूरा करोगे, मैं ऐसा समझता हूँ, और मेरी आखिरी इच्छा ये है कि आप बजाओगे अकॉर्डिंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। अकॉर्डिंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट क्या है इसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों। संगम फिल्म में राज कपूर ने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया था, और साथ ही साथ विनोद खन्ना जी ने अमर अकबर एंथोनी में इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया था। राज कपूर और साथ ही साथ विनोद खन्ना के बाद पवनदीप राजन इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाले हैं आने वाले एपिसोड में, और ये इच्छा को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। और रणधीर कपूर जी भी बोलेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट को मैं भी बजाना चाहता था लेकिन मैं बजा नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस इंस्ट्रूमेंट को आप प्ले करो, और साथ ही साथ आप प्ले करने के साथ साथ आप इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के साथ साथ आप अपना कोई भी एक फेवरेट गाना जो है वो गा दो। इसके बाद पवनदीप राजन वैसा ही करते हैं, और पवनदीप राजन एक नया करिश्मा कर देते हैं, एक नया इतिहास बना देते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए। वेल दोस्तों, ये बड़ी और एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही थी, सोचा हम आप सभी दर्शकों के साथ शेयर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पवनदीप राजन के नए टैलेंट पर आप क्या कहना चाहते हैं ये भी आप हमें अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताएँ।